बीएड कॉलेज में फीस बढ़ोतरी को लेकर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में रोजगार मांगे इंडिया के बैनर तले आज विभिन्न संगठन के छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। नारा लगे भीम छात्रों को सुगम करना भैया ब्लॉक होते हुए सीएम कोठी होते हुए स्टेशन तक पहुंचेंगे और वहीं पे हम अपनी कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करेंगे। तो हम लोग रोड मार्च करते हुए चलेंगे। चला जा। मांगे इंडिया के रोजगार मांगे इंडिया के तहत प्रदेश का आंदोलन चल रहा है देश के युवाओं का। यहाँ खास सवाल यह है कि हम देख रहे हैं कि बिहार में बीएड कॉलेज खुले और बीएड कॉलेज ने सबसे पहले 2 लाख रुपया फीस किया था, लेकिन जो पूरे बिहार में छात्रों का आंदोलन चला, आरंभ जो छात्रों का आंदोलन चला, उस आंदोलन में विश्वविद्यालय प्रशासन और बीएड कॉलेजों से बातचीत हुई और उसमें उन्होंने अपना फीस 1 लाख रुपया किया और आज एडमिशन 1 लाख रुपये के अंदर हो रहा था, लेकिन बिहार के तमाम शिक्षा माफिया हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो कहा कि 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष छात्रों से फीस लेना चाहिए और उन छात्रों से भी जो छात्र एडमिशन ले चुके हैं। हमारे यहाँ मांग है, हमें कहना चाहते हैं कि जो हाईकोर्ट है हाईकोर्ट छात्र युवाओं के पक्ष के लिए बना है न कि शिक्षा माफियाओं के लिए, लेकिन आज बिहार में सरकार भी बिक रही है, बिहार का हाईकोर्ट का जज भी बिक रहा है और ऐसे हाईकोर्ट के जज को और ऐसे हाईकोर्ट ऐसे सुप्रीम कोर्ट और ऐसे बिहार सरकार को इस बिहार के छात्र युवा उखाड़ कर फेंक देने का काम करेंगे। जो हाईकोर्ट का जज जो हाईकोर्ट छात्र युवाओं के खिलाफ में फैसला देगा वैसे हाईकोर्ट को बिहार के युवा बिहार के धरती पर नहीं चलने देंगे। यह कुंवर सिंह का धरती है, यह जयप्रकाश नारायण का धरती है, इसलिए हमें आज के प्रदर्शन के माध्यम से हमें मांग करना चाहते हैं हाईकोर्ट से और बिहार की सरकार से नीतीश कुमार से कि आप दोनों छात्र हित को देखते हुए छात्र माफियाओं के पक्ष में ही जाइए। आप देखिए बिहार में गजब माहौल है, बिहार का हाईकोर्ट बिहार की सरकार और बिहार के तमाम बीएड कॉलेजों के शिक्षा माफिया एक साथ खड़े हैं और बिहार के छात्र युवा एक 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 तरफ खड़े हैं। जो कोर्ट में न्यायालय की बात होती है कोर्ट न्यायालय के पक्ष में डिसीजन देता है, हम बहुत सारे देखते हैं यहाँ पर एक मास से ये छात्रों का आंदोलन चल रहा है, पटना में अगर सड़क जाम हो जाए पटना में अगर कचरा जाम हो जाए तो हाईकोर्ट संज्ञान ले लेता है। क्या हाईकोर्ट के जानकारी नहीं है? हाईकोर्ट इस सवाल पर संज्ञान क्यों नहीं लेता है कि जो हमने फीस वृद्धि किया है वो गलत किया है और उसको वापस क्यों नहीं लेता है? जब तक यहाँ का हाईकोर्ट और बिहार की सरकार छात्रों से फीस वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। ये आंदोलन अभी आरा का आंदोलन है, लेकिन यह आंदोलन आने वाले दिनों में पूरे देश का आंदोलन बनेगा और पूरे देश के छात्र युवा इस सवाल को लेकर के संघर्ष तेज करेंगे। राजीव यादव हम ही लोग का सर भेजिए, हम ही लोग का भेजिए जो की स्टेटमेंट के टीम की भी लोग आए थे, हमको लगता है 10-15 दिन पहले ही आए थे और उसको उसी समय तत्काल भेजा गया कि छात्र हित में छात्रों की बात है इसको भेजा जाए, लेकिन न्यायालय के मामले में पुनर्विचार करने को हम लोग निकले की स्थिति में नहीं, हम लोग का अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अन्य विश्वविद्यालय में साफ तुलना घर यहाँ को भाई हम नहीं जानकारी है और सब बात अभी जो हाल ही में है।